गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी, इंडियाज लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन आज हम लोग यहाँ पे फिर से सॉल्व करने वाले हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सो दिस इज साकेत वर्मा एंड आई हैव डन एमटेक फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी एंड क्रैक द पीएसयू एग्जाम्स लाइक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डीआरडीओ एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। आई एम हैविंग मोर देन 11 ईयर एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ गेट एंड ईएससी एंड आई हैव मेंटर मोर देन 25,000 स्टूडेंट्स इन द कंट्री फॉर गेट एंड ईएससी। सो आई टेक सब्जेक्ट दैट इज कम्युनिकेशन सिस्टम, ईएमएफटी एंड एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो अगर हम लोग ये सारे सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, ईएमएफटी की और कम्युनिकेशन की, तो ये एक ऐसे सब्जेक्ट्स में आते हैं जो मोस्टली स्टूडेंट्स को टफ भी लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा वेटेज भी रखता है, क्योंकि इन दोनों सब्जेक्ट्स को अगर हम मिला दें तो 20 से ज़्यादा मार्क्स ये कंटेन करता है। और अगर आपको ये 20 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं लाइक मैथ्स एंड एप्टीट्यूड, तो आप लोगों को एक अच्छा गाइडेंस और एक अच्छा मटेरियल, एक अच्छा कंटेंट चाहिए। और यूट्यूब पर अभी बहुत कम जगह पर ये दोनों सब्जेक्ट के जो कंटेंट है, एक अच्छे कंटेंट अवेलेबल है। और जहाँ पर आपको एक ऐसा सीरीज़, जहाँ पे बोलना चाहिए कि लगातार पिछले 1.5 से 2 महीने से ईएमएफटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं, और इससे ज़्यादा अच्छा कंटेंट, यानी कि इतने अच्छा नंबर ऑफ क्वेश्चन का कलेक्शन आपको कहीं और नहीं मिलेगा अदर देन क्रिएटरिक्स चैनल। ठीक है, तो यहाँ पे लगातार पिछले 2 महीने से टेक्निकल बर्फी के फॉर्म में, फिर हम लोग ईएमटी अभ्यास के फॉर्म में, फिर हम लोग यहाँ पे आपका ये डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के फॉर्म में, इतने सारे क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर हम लोग टेक्निकल बर्फी में काउंट करें तो अराउंड 60 से 70 क्वेश्चन हमने वहाँ पर किया था। और उसके बाद अगर हम लोग अभ्यास सीरीज़ की बात करें तो वहाँ पे कम से कम 50 क्वेश्चन हमने किया है, तो 120 क्वेश्चंस हो गए। और फिर अभी हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो हर दिन हम लोग 3 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और आज हमारा यहाँ पे 5th लेक्चर है। तो 5th लेक्चर में अगर आप देखोगे तो हम लोग ऑलरेडी 12 क्वेश्चन कर चुके हैं, मतलब कि नहीं में भी अगर हम लोग बोलें तो हम लोग 130-140 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। और इसमें कोई भी गेट के क्वेश्चन नहीं थे, सारे के सारे नॉन गेट क्वेश्चन थे। तो गेट के क्वेश्चन जब आप इसमें इंक्लूड कर लोगे तो वो भी आपके कम से कम 100 से 200 क्वेश्चन हो जाएंगे, और इस तरीके से आपके पास 300-400 का एक बहुत अच्छा कलेक्शन हो जाएगा। और अभी यह सीरीज़ स्टॉप नहीं हुई है, ये सीरीज़ जो है वो इस महीने पूरे कंटिन्यू चलेगी, टिल द अगस्त एंड ये सीरीज चलते रहेगी। और उसके बाद सितंबर से हम नया सीरीज चालू करेंगे कुछ दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए, कोई दूसरे बोलना चाहिए कि कम्युनिकेशन जैसे सब्जेक्ट्स के लिए, और हो सकता है कि ईएमएफटी के फिर से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करें। तो दो सीरीज लगातार आपका पैरेलल में चलेगा। ठीक है, तो विकास सुनकर गुड मॉर्निंग, तो चलो आप जुड़ गए हो सभी लोग, तो फिर हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, गुड मॉर्निंग सिद्धार्थ, गुड मॉर्निंग अनिरुद्ध, बहुत दिन बाद आप लाइव देख रहे हो। रोज जल्दी उठना चाहिए, और एटलीस्ट उठते ही ये 3-4 क्वेश्चन आप डेली सॉल्व करो मेरे साथ, उसके बाद फिर अपना दिन स्टार्ट करो। थोड़ा सा जल्दी उठना चाहिए। रेडियो ट्रांसमीटर इज कनेक्टेड टू एन एंटीना हैविंग एन इम्पिडेंस 80+j40 विथ ए 50 ओम कोएक्सियल केबल। इफ द 50 ओम ट्रांसमीटर कैन डिलीवर 30 वॉट वैन कनेक्टेड टू ए 50 ओम लोड, देन द पावर डिलीवर्ड इज। सो पहला आंसर मेरे पास आया है,
और किसी का? अनिरुद्ध ऑल्सो गेटिंग 43.2, हिमांशु सेइंग 25.94। तो देखना पड़ेगा कि किसका आंसर सही है। टाइम अप हो चुका है तो एक बार मैं देख लेता हूँ, मेरे पास भी आंसर्स हैं कि नहीं है यहाँ पे, नहीं तो फिर सॉल्व करके ही निकालेंगे। यस, सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर 25.94 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि ये कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस है, ठीक है, सॉरी लोड इम्पिडेंस है और यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस है। ठीक है, लोड इम्पिडेंस है हैविंग एन इम्पिडेंस, है ना, ए रेडियो ट्रांसमीटर इज कनेक्टेड टू एन एंटीना हैविंग एन इम्पिडेंस। तो एंटीना का जो इम्पिडेंस होगा दैट विल बी ए लोड इम्पिडेंस फॉर ए ट्रांसमिशन लाइन, है ना। ये वाला चीज़ तो हमको मालूम है ना कि यहाँ पे अगर हमारे पास इस तरीके से ये ट्रांसमिशन लाइन कनेक्टेड होता है एंटीना से, तो ये वाला पार्ट हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से अगर आपका एंटीना ऐसा कनेक्टेड है तो ये वाला जो इनपुट इम्पिडेंस होगा, ठीक है, ये वाला जो इनपुट इम्पिडेंस होता है वही इस ट्रांसमिशन लाइन के लिए लोड का काम करता है। तो इस एंटीना का जो इनपुट इम्पिडेंस है वो 80+j40 हमको दिया हुआ है। ठीक है, 80+j40 हमको यहाँ पे गिवन है। अब इसके अकॉर्डिंग ये कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस कोएक्सियल लाइन यहाँ पे ये 50 ओम दिया हुआ है और बाकी फिर आप यहाँ से इनपुट दे रहे हो। ठीक है, यहाँ से आप इनपुट दे रहे हो। तो सबसे पहले हम लोग को नॉर्मल, निरंजना कल भी आपने क्वेश्चन सॉल्व किया था ग्रुप में, मैंने देखा था, तो बिल वही वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो अगर आपको पावर डिलीवर्ड निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, जो जितना भी पावर आपने इनपुट में दिया है एंड देन 1 - |γ²। ठीक है, ये वाला आपने ग्रुप में भी एक क्वेश्चन सॉल्व किया था इसी तरीके से कि पावर लोड पे कितना आएगा, तो जितना इनपुट पावर होगा और 1 - |γ², मतलब कितना रिफ्लेक्ट हो गया उसके अकॉर्डिंग। तो इनपुट पावर हमने कितना दिया हुआ है, 30 वॉट। ठीक है, और यहाँ से हमको गामा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब गामा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, रिफ्लेक्शन कोफिशियंट हो जाएगा Zin - Z0 / Zin + Z0, है ना, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग Zin - Z0 / Zin + Z0। तो 80+j40 - 50 / 80+j40 + 50। ठीक है, यहाँ से हम लोग रिफ्लेक्शन कोफिशियंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और रिफ्लेक्शन कोफिशियंट की वैल्यू जो आ रही है 0.367 एट एन एंगल ऑफ 36.03। ठीक है, ये आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा यहाँ से, ये 30 - 30+j40 में कन्वर्ट हो जाएगा डिवाइडेड बाय 130+j40 में कन्वर्ट होगा और इसको पोलर में कन्वर्ट करके निकाल लोगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया 0.367 का होल स्क्वायर और यहाँ से हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 25.9 वॉट। ठीक है, तो पावर डिलीवर्ड एट लोड, और लोड क्या है यहाँ पे, एंटीना, पावर डिलीवर्ड एट लोड यानी कि ये जो एंटीना है। ठीक है, बताओ ये समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टाइम इसके लिए जगह नहीं मिल रही है। चलो ठीक है, इसके लिए जगह ही नहीं मिल रही कहीं पे जहां पे ये फिट हो जाए। अच्छा, मिस्टेक हो गया, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। ओके, मतलब क्वेश्चन को ध्यान से देख रहे हैं, है ना, डेटा वगैरह को प्रॉपरली यूज़ करो आप लोग, है ना, वो मिस्टेक नहीं होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट पता है और वैल्यू गलत लिखने की वजह से आंसर गलत हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा अखरता है, कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है तो अखरता नहीं है, क्योंकि
कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, मुझे नहीं पता है तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। मतलब अगर मालूम होता और जानते हुए मैं गलती करूँ तो मुझे ज़्यादा अफसोस होगा, लेकिन अगर मुझे कोई चीज़ मालूम ही नहीं है तो फिर ठीक है, फिर मतलब ये मैं मान लूँगा कि कहीं ना कहीं इसमें मतलब कमी थी, या मैंने प्रॉपरली नहीं रीड किया, या जहाँ भी मैंने रिसोर्स फॉलो किए वहाँ पर अच्छे कंटेंट नहीं थे, या हमको पूरी चीज़ें नहीं मिल पाई, ऐसा मान लेंगे। लेकिन अगर हमको आता है और उसमें कोई डेटा गलत हो जाता है तो वो ज़्यादा हर्ट करता है, क्योंकि हमको हमेशा ये लगता रहता है कि हम कर सकते थे। एक मिनट ना, मैं इसमें थोड़ा सा शायद वैल्यू वगैरह नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं बता दूँ ये 600 ओम है, ठीक है, और ये 0.02 मिली हेनरी है, और ये तो 300 है ना, ये दिख रहा होगा, आई होप 300 है। मैं थोड़ा सा टाइम बढ़ा देता हूँ, ठीक है, 2 मिनट और मैं बढ़ा दिया हूँ। अब आप सॉल्व करो, जिनको भी डेटा वगैरह में प्रॉब्लम हो रहा था सॉल्व करेंगे। So Himanshu is saying D. लोकेशन ऑफ वोल्टेज मिनिमम आपको कैलकुलेट करना है। लास्ट 25 सेकेंड्स, कौन सिद्धार्थ अनिरुद्ध डी इज रॉन्ग, गैस नहीं करना है हिमांशु, गैसिंग नहीं चाहिए क्या, है ना, गैसिंग नहीं चाहिए यार। अरे अभी आप लोग सॉल्यूशन देखोगे तो आप लोग को लगेगा कि अरे यार कैसे कैसे नहीं बना पाए इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि वोल्टेज मिनिमम या मैक्सिमम निकालना है। देखो वोल्टेज मैक्सिमम या मिनिमम निकालने के लिए क्या होता है, लोकेशन ऑफ वोल्टेज मैक्सिमम इज फाई प्लस 2n पाई डिवाइडेड बाय 2 बीटा, है ना, और n की वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2 एंड सो ऑन इफ फाई इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये होता है लोकेशन ऑफ मैक्सिमा, है ना, ये फॉर्मूला है। और फाई की वैल्यू मतलब कि फाई इज नथिंग बट द फेज ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशियंट, ठीक है, तो फेज ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशियंट मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी कि अल्टीमेटली मुझे पहले तो स्टेप में रिफ्लेक्शन कोफिशियंट फॉलो करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन कोफिशियंट हम कैलकुलेट करते हैं, तो रिफ्लेक्शन कोफिशियंट क्या हो जाएगा, गामा लोड इज इक्वल टू जेड एल माइनस जेड नॉट डिवाइडेड बाय जेड एल प्लस जेड नॉट, ठीक है, और जेड एल की वैल्यू कितनी होगी, तो आर प्लस जे ओमेगा एल से आर प्लस जे ओमेगा एल माइनस जेड नॉट डिवाइडेड बाय आर प्लस जे ओमेगा एल प्लस जेड नॉट, यहाँ पे सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, और R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू 600 है, प्लस J इंटू ओमेगा फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है, 5 मेगा हर्ट्स है, तो 5 इंटू 10 टू द पावर 6
इंटू एल की वैल्यू कितनी है 0.02 मिली हेनरी इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 माइनस जेड नॉट, जेड नॉट कितना है 300, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय द सेम थिंग 600 प्लस जे 2 पाई इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 0.02 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 एंड प्लस 300। और इस रिफ्लेक्शन कोफिशियंट को यहाँ पे पूरा सॉल्व करोगे आप, ठीक है, रिफ्लेक्शन कोफिशियंट को पूरा सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, ये बी आंसर बता रहे हो आप लोग, तो यहाँ पे 0.63 एट एन एंगल ई टू द पावर, यहाँ पे आ गया एट एन एंगल मतलब ई टू द पावर जे 29.6, तो जे 29.6 ये आ रहा है टोटल ओवरऑल रिफ्लेक्शन कोफिशियंट, यानी कि हमारा फेज जो है 29.6 आ रहा है, ठीक है, तो हमारा जो फेज है वो 29.6 आ रहा है, यस परफेक्ट निरंजना, ठीक है। अब इसको हम लोग डिग्री में भी चेंज कर लेंगे, रेडियन में चेंज कर लेंगे, ठीक है, यहाँ से हम लोग अब लिखेंगे तो एल मैक्सिमम, और क्योंकि हमको फर्स्ट मैक्सिमम निकालना है मान लो, तो फॉर फर्स्ट मैक्सिमा के लिए एन की वैल्यू जीरो रहेगी, तो एल मैक्स की वैल्यू आ जाएगी 5/2 बीटा, 5 की वैल्यू लिखोगे 29.6 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 180 डिग्री इंटू 2 इंटू 2 पाई बाय लैम्डा, ठीक है, तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू बची हुई है तो वो भी लिख लो 29.6 इंटू पाई इंटू सी 3 इंटू 10 टू पावर 8 डिवाइडेड बाय एफ 180 इंटू 4 पाई इंटू 5 मेगाहर्ट्ज, तो 5 इंटू 10 टू द पावर 6, तो लैम्डा को आप सेपरेटली भी कैलकुलेट करके बता सकते हो, ठीक है, तो लैम्डा एक अलग से हम निकाल के रख लेते हैं, तो लैम्डा की वैल्यू c बाई एफ से हम लोग निकाल के रख लेते हैं, यहाँ से हमारे पास ये कितना है 5 है, तो कितना आ गया 7.5 क्या नहीं 30, ये आ रहा है 30 मीटर, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू 30 मीटर आ रही है, हाँ करेक्ट है अनिरुद्ध, ठीक, लैम्डा 60 आ रहा है, 3 इंटू टेन पावर 5 6, हाँ 6 आएगा, 60 मीटर आएगा, ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू 60 मीटर आएगी, तो लोकेशन ऑफ मैक्सिमा कितना आ रहा है, इसको पूरे को सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ रहा है 2.46 मीटर, देखो ये लोकेशन ऑफ मैक्सिमा है 2.46 और हाँ 60 आएगा, सो लोकेशन ऑफ मैक्सिमा अगर 2.46 है, अब मुझे ये बताओ कि ये लोड कैसा था, ये लोड का नेचर बताओ, नेचर ऑफ लोड क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ लोड, जल्दी बताओ लोड का नेचर क्या है, लोड का नेचर क्या है, इंडक्टिव, ठीक है, तो लोड का नेचर क्योंकि इंडक्टिव है तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, पहले मैक्सिमा कि मिनिमा, पहले क्या आएगा, मैक्सिमा आएगा कि मिनिमा आएगा, अगर लोड इंडक्टिव नेचर का है, लोड से सोर्स की तरफ हम जाएंगे तो व्हाट विल कम फर्स्ट, मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है, बिल्कुल है ना, अगर आप लोड के बारे में जानते हो तो यहाँ से हमको ये क्लियर है कि अगर लोड आपका इंडक्टिव नेचर का होता है तो इसका जो प्लॉट बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, क्योंकि लोड पे ना ही मैक्सिमा मिलता है ना ही मिनिमा मिलता है, ठीक है, और फिर हम जैसे लोड से सोर्स की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले हमको मैक्सिमा मिलता है और फिर कितने डिस्टेंस के बाद हमको मिनिमा मिलेगा, मैक्सिमा और मिनिमा के बीच का डिस्टेंस बताओ, मैक्सिमा और मिनिमा के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, चलो ये भी बताओ मैक्सिमा और मिनिमा के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाय 4, ठीक है, ये भी ठीक है, तो लैम्डा बाय 4 रहेगा, तो इसका मतलब है कि अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट कर चुका हूँ तो मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मुझे इसमें लैम्डा बाय 4 ऐड करना है, ठीक है, तो लैम्डा बाय 4 मतलब यहाँ से डिवाइड बाय 4 कर दोगे तो ये 2.46 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 4 मतलब कितना आ गया
17.46 मीटर. ओके, सो आंसर क्या होना चाहिए था, आंसर क्या होना चाहिए फिर यहां पे, आंसर क्या होना चाहिए? ठीक है, अब देखो एक चीज और आप लोग यहां पे जानते हो कि दो मैक्सिमा और मिनिमा के बीच का जो डिस्टेंस है, यहां पे दो मैक्सिमा और मिनिमा के बीच का जो डिस्टेंस है ये कितना होता है, दो मैक्सिमा या मिनिमा के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होता है, ये जो डिस्टेंस है ये कितना होगा, दो सक्सेसिव मिनिमा के बीच का डिस्टेंस, दो सक्सेसिव मिनिमा के बीच का डिस्टेंस. ठीक है, तो लैम्डा बाय टू हो गया. तो लैम्डा बाय टू कितना आएगा अगर मैं यहाँ पे सेकेंड मिनिमा निकालने जाता हूँ. ठीक है, सेकेंड मिनिमा निकालने जाता हूँ तो एल मिनिमम, ठीक है ये सेकेंड है, ठीक है ये सेकेंड है, और ये कितना आ जाएगा 17.46, और अगेन इसमें लैम्डा बाय टू मैं ऐड कर दूंगा. लैम्डा बाय टू अगर मैं ऐड कर दूंगा तो 30 ऐड हो गया, 30 प्लस यहाँ से कितना आ गया 17.46, और ये हो जाएगा आपका 60 डिवाइडेड बाय 2. इसका मतलब है कि ये कितना हो गया 47.46 मीटर. तो 47.46 भी तो मैच कर रहा है. ठीक है, तो हम लोगों को क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है ना कि द लोकेशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा. अगर हमसे क्वेश्चन में यह पूछा होता कि लोकेशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा क्या है, तब हम लोग सिर्फ एक ही मिनिमा निकालते और फिर आंसर हमारा 17.46 होता. बट यहाँ पे हमको लोकेशन ऑफ वोल्टेज मिनिमा बस बोल दिया है, तो वोल्टेज मिनिमा मतलब हमारे पास जितने भी पॉसिबल मिनिमा होंगे उसको चेक करना पड़ेगा, और चार ऑप्शन है तो चेक करने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, है ना. तो हम लोग यहाँ पे दो लगातार चेक कर लिए, और ये 17.46 और 47.46 ये दोनों ही मैच कर रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी और डी होगा. ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी और डी होगा, करेक्ट. ठीक है, तो दिस इज ए मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन. आप लोगों को पता है पैटर्न, हम लोग एक न्यूमेरिकल आंसर टाइप, एक मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन और एक एमसीक्यू करते हैं. तो अगर हम इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है एनएटी किए थे तो ये एमएसक्यू हो सकता था. ठीक है, खैर एमसीक्यू भी हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. ठीक है, चलो ये समझ में आ गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. चलो सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो आंसर आया है मेरे पास ऑप्शन सी, यस सिमरन. कम्युनिकेशन का भी ऐसा ही एक सीरीज आएगा, वो सितंबर में स्टार्ट होगा.
सितंबर में स्टार्ट करेंगे। अभी इस मंथ और हमारा ईएमटी ही चलेगा पूरा, और यहाँ पे हम लोग और लगभग करीब, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे चलता है तो उसके अकॉर्डिंग अभी हमारे पास 2 वीक्स और हैं, तो लगभग 10 से 12 क्लास और होंगी, तो लगभग 30 क्वेश्चंस और हम लोग सॉल्व करेंगे ईएमएफटी के, और उसके बाद फिर हम इसको स्टॉप करके कम्युनिकेशन का भी ऐसे ही सीरीज चलाएंगे, और फिर अक्टूबर पूरा अक्टूबर मिड के बाद फिर हम लोग टफ क्वेश्चंस वाले सीरीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो इसका जो करेक्ट आंसर है, यस द आंसर इज ऑप्शन सी, है ना। तो यहाँ मैक्सवेल इक्वेशन से जाएंगे हम लोग, तो मैक्सवेल इक्वेशन का यूज करो। मैक्सवेल इक्वेशन के अकॉर्डिंग है ना, जो गॉस लॉ से डिराइव होता है, मैक्सवेल इक्वेशन विच डिराइव्स फ्रॉम द गॉस लॉ, तो ये हो गया रो वी इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ डी, है ना। अब डाइवर्जेंस ऑफ डी, डी कैसे मिलेगा, तो डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई होता है, डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई, क्योंकि एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पे हमको दिया हुआ है, तो एप्सिलॉन नॉट ई। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि ई कैसे मिलेगा, ठीक है, तो अब ई कैलकुलेट करते हैं, तो ई इज नथिंग बट द माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ वी, ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल हमको दिया हुआ है, तो माइनस इसका ग्रेडियंट निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमारे पास ग्रेडियंट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, है ना। ग्रेडियंट देखो यहाँ पे एक्स सिर्फ जेड कंपोनेंट दिया है, इसको हम लोग एक्चुअली ग्रेडियंट का फॉर्मूला लिखेंगे, तो देखो ये होता है डेल वी अपॉन डेल एक्स ए एक्स कैप एंड डेल वी अपॉन डेल वाई ए वाई कैप, देन डेल वी अपॉन डेल जेड ए जेड कैप, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब x और y कंपोनेंट तो यहाँ पे है नहीं, तो सिर्फ z कंपोनेंट आएगा, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो आप z के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे 90 इंटू जेड टू द पावर 4/3 है, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर दोगे कितना आ गया ये 120 z टू द पावर 1/3, और ये कौन सा कंपोनेंट है ए जेड, तो ये ए जेड हो जाएगा यहाँ पे ए जेड, ठीक है, तो माइनस 120 जेड टू द पावर 1/3 एंड यस, ठीक है, निरंजन ने लिख दिया इसको। और इसके बाद हम लोगों को एप्सिलॉन नॉट का मल्टीप्लिकेशन करना, ये ई है, ठीक है, यहां से अब ये कितना हो गया माइनस 120 एप्सिलॉन नॉट जेड टू द पावर 1/3 ए जेड कैप। अब इसका डाइवर्जेंस निकालोगे, तो डाइवर्जेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, डाइवर्जेंस निकालेंगे तो हमको पता है कि एक्स कंपोनेंट को एक्स के रिस्पेक्ट में, चलो उसका फॉर्मूला भी लिखते हैं, इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हमारे पास मतलब फॉर्मूला जस्ट रिवीजन के लिए है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि डी का निकालना है डाइवर्जेंस ऑफ, जैसे डी निकालना है मान लो, ठीक है, एक्स कंपोनेंट को एक्स के रिस्पेक्ट में और वाई कंपोनेंट को वाई के रिस्पेक्ट में और Z कंपोनेंट को Z के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ये इसलिए लिख रहा हूँ जस्ट रिकॉल करवाने के लिए, ठीक है, तो X और Y तो नहीं रहेगा, जीरो होगा, और ये डाइवर्जेंस ऑफ D जो है ये रो वी हो गया यहाँ से मैक्सवेल इक्वेशन से, X और Y का जीरो हो गया, Z के रिस्पेक्ट में इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो, तो माइनस 120 और ये एप्सिलॉन नॉट, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/3 Z टू द पावर माइनस 2/3, ठीक है, ये आ गया Z कंपोनेंट को, और यहाँ पे हमारे माइनस 40 और एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा 8.854 इंटू 10^-12 Z टू द पावर माइनस 2/3, ठीक है, यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ गई, ये 10^-12 सभी में पीको में यूज हो जाएगा, इन दोनों को यूज करेंगे तो 8 × 4 320 के आसपास, तो 320 के आसपास यही वाला रिजल्ट है, तो जरूर यही आंसर आ रहा है ना, माइनस 354 Z टू द पावर माइनस 2/3 पिको कूलम पर मीटर, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप पहले हम लोग दिख लिए कि क्या यहां से निकल सकता है, किसकी किसकी जरूरत पड़ेगी वो निकाल लिए, और उसके बाद हम लोग फाइनल आंसर तक पहुंच गए, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी, ठीक है। सो चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग द टुडे सेशन, और जस्ट आपको अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस और सॉल्व करने हैं, है ना, पॉजिटिव आएगा अनिरुद्ध, है ना, नेगेटिव नहीं आएगा, तो साइन के साथ बताना है आंसर को, क्योंकि सभी में वैसे तो नेगेटिव साइन था, लेकिन आप 354 बोल रहे हो, इसका मल्टीप्लिकेशन बता रहे हो आप वैसे ओनली, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि पूरा आंसर आप लिखो, ठीक है। तो यस
इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप और सॉल्व करना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो अनअकैडमी प्लस में। अनअकैडमी प्लस पे आपको मिलता है लाइव क्लासेस, आपको मिलता है रैंक इंप्रूवमेंट बैच और क्रैश कोर्सेस। तो ये तीनों को बैचेस के अलावा अगर कोई भी पीएसयू का बैच मिलता है तो वो पीएसयू का बैच भी आपको मिलेगा। निरंजना, मैं आपसे जो क्वेश्चन किया था कल कि आप ये जो सब्सक्रिप्शन लिए हो उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हो कि नहीं किए हो, है ना, क्योंकि सब्सक्रिप्शन आपको मिला था एक्चुअली कॉम्बैट के थ्रू, तो आप उसका यूटिलाइज कर रहे हो, कौन से टीचर के लेक्चर्स देख रहे हो, अगर आप चाहो तो कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। एंड ये सारे बैचेस आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेंगे। डाउट सॉल्विंग सीरीज आपकी होती है, सेशंस होते हैं हर फोर्थ क्लास, अब मैं आपको डाउट क्लियर करने का मौका मिलता है, और वीकली टेस्ट भी होता है। आइकॉनिक में अगर आओगे तो ये प्लस सब्सक्रिप्शन के अलावा आपको पर्सनल कोच एक्स्ट्रा मिल जाएगा और स्टडी मटेरियल आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, साथ में आपके स्टडी प्लानिंग सेशंस होंगे, स्टडी बूस्टर सेशंस होंगे, और पर्सनलाइज्ड वे में टेस्ट एनालिसिस भी होगा, है ना। साकेत 10 कोड यूज़ करने के बाद अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 1 ईयर, 1.5 ईयर और 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन में आपको 10% का ऑफ और साथ में मेरा गाइडेंस थ्रू आउट द ईयर मिलता रहेगा, ठीक है। एंड सेम चीज आप आइकॉनिक में भी जा सकते हो, 1 ईयर, 1.5 ईयर और 2 ईयर का यहां पे भी हमारे पास ऑब्वियसली सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास 1 ईयर, 1.5 ईयर एंड 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन यूजिंग द कोड साकेत 10 आप जा सकते हो। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो हर संडे को सुबह 11 बजे कॉम्बैट होता है, और ये कॉम्बैट जो होगा वो आपका इस संडे 15 अगस्त को होगा। अगर आप इस कॉम्बैट में अभी तक एनरोल नहीं किए हैं तो एनरोल कर लेना यूजिंग द कोड साकेत 10, तो इससे आपको क्या होगा कि ये गारंटी हो जाएगी कि 10% का ऑफ आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो, स्कॉलरशिप टेस्ट है ये, और उसमें अगर आप अंडर 100 रैंक लेके आते हो जो कि स्पीड और एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग होता है, उसमें आपको 10% से ज़्यादा डिस्काउंट ऑफर किया जाता है। ये दो बैचेस हमारे चल रहे हैं, एक्सेलरेट बैच और आरोहण बैच। GATE 22 वाले जो एस्पिरेंट्स हैं वो एक्सेलरेट बैच में आ जाओ, क्योंकि वो रैंक इंप्रूवमेंट बैच है, फास्ट ट्रैक बैच है, जल्दी से जल्दी आपका कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा, क्योंकि GATE 22 के पहले आपको खत्म कराना है। और GATE 23 के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो आरोहण बैच को फॉलो करेंगे, जो अभी तक स्टार्ट नहीं किए हैं, है ना। अगर अभी तक आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया तो आप आरोहण बैच को फॉलो करो। अब इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए बैचेस हैं, और ये हमारा जो स्टार्ट हुआ है इलेक्ट्रिकल, ये हुआ है एक्सेलरेट बैच में। देखो, ये एक्सेलरेट बैच में इलेक्ट्रिकल के लिए EMFT स्टार्ट हुआ है, जो कि कल से ही स्टार्ट हुआ है, तो अभी एक ही क्लास हुई है। तो अभी तक अगर आपने एनरोल नहीं किया तो इसमें भी आप जल्दी से जल्दी एनरोल कर लेना। एंड स्पेशल क्लास के फीचर्स के बारे में आई होप कि आप सभी को आइडिया होगा। स्पेशल क्लास में क्या होता है, आपको यहाँ पे इंट्रैक्शन ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। सेकंड, आपको पोल्स बहुत ज़्यादा क्रिएट होंगे वहाँ पे, तो आपको आंसर करने में मज़ा आएगा, जैसे कि आपकी रैंकिंग पता चलेगी। जैसे आप लोगों ने इस क्वेश्चन को आंसर किया तो आपकी रैंकिंग नहीं पता चली कि आपने कितने क्वेश्चन सही सॉल्व किए और आपने कितने टाइम में सॉल्व किए, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे टाइम के अकॉर्डिंग और एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे भी एक लीडर बोर्ड जनरेट होता है। आप कोई भी क्लास मिस नहीं करते हो, क्योंकि आपको हर क्लास के 20 मिनट्स पहले, आधे घंटे पहले नोटिफिकेशन आ जाता है, और आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हो, और साथ ही साथ आप किसी डिवाइस से इसको एक्सेस कर सकते हो। वीडियो में अगर कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट आपको लगता है तो आप फीडबैक दे सकते हैं, हमारा कमेंट सेक्शन में एक फॉर्म है, वहां पर फिलअप करके। एंड यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी, और उसके लिए आप अपने क्रोम में, है ना, ब्राउजर में इसको टाइप करेंगे, और जैसे ही यहाँ पर एंटर करेंगे तो वहाँ पर मेरा प्रोफाइल ओपन हो जाएगा, वहाँ पर फॉलो बटन प्रेस करेंगे और मेरे को फॉलो करेंगे, ताकि मेरे जितने भी फ्री वीडियोज हैं उनका एक्सेस कर सकें। और फ्री वीडियो के एक्सेस के लिए भी आपको यही कोड लगेगा, साकेत 10, और आप ये चीज़ किसी के भी वीडियो देखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये कोड जो है वो यूनिवर्सल है, आप कहीं पर भी कोई भी एक्सेस करना चाहें तो इस कोड को लगा सकते हैं, ठीक है। क्रिएटर्स गेट EE टेलीग्राम ग्रुप को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द टुडे सेशन, मिलते हैं कल सेम टाइम पे सुबह 9 बजे। थैंक यू, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।